Hello to all. You are watching Breaking Barriers with Alia Shah. Welcome to my show. आप सब जहां पर भी हैं, उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ पाकिस्तान की एक बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी मौजूद हैं। ही इज पॉलिटिकल कमेंटेटर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राइटर, ऑथर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और बहुत सी इनकी शख्सियत की जहते हैं। मिस्टर वजाहत मसूद, वेलकम टू माई शो। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान की ही बात करेंगे, लेकिन दुनिया के किसी कोने में, वजह सब दुनिया के किसी भी कोने में कुछ छपता है, कुछ पब्लिश होता है, कुछ शाया होता है, तो पाकिस्तान में आग लग जाती है। पूरे मुल्क में तोड़फोड़, जलाओ, घेराव शुरू हो जाता है। हालांकि वो सात समंदर पार भी कुछ हुआ हो तो यहाँ पर अपने मुल्क को जला दिया जाता है। और इसी के साथ मैं इस चीज को भी लिंक करूंगी कि कुछ दिन पहले जो खबरें आई कि बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब की, आर्मी चीफ की मीटिंग हुई, मुलाकात हुई जर्नलिस्टों के साथ, तो उनकी जो ख्वाहिशात थी उसमें एक विश उनकी ये थी कि पाकिस्तान को नॉर्मल कंट्री देखना चाहते हैं। तो टॉपिक मेरा यही आज का वजह साहब कि क्या पाकिस्तान 70 सालों में नॉर्मल कंट्री नहीं बन सका अब तक? क्या आप समझते हैं ऐसा? और अगर नहीं बन सका तो क्यों नहीं बन सका? पहला दस्तूर हमने बनाने में 9 बरस लिए और तोड़ने में 2 बरस लिए। दूसरा, हमें एक साहब ने कहा कि मैं आपको ये दस्तूर देता हूँ, और जो दस्तूर दिया जाते जाते उसे भी तोड़ गए। उसके बाद हमने इस मुल्क के रहने वालों ने एक दस्तूर बनाया जो कि पाकिस्तान बनने के तकरीबन 27 बरस बाद बन पाया। मुत्तफिका दस्तूर है, 2 दफ़ा उसे हमने खूंटी पे लटकाया, एक दफ़ा 77 में और एक दफ़ा 99 में। हमारा मियारे ज़िंदगी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ अगर हम कंपैरिजन करें आयशा बीबी, तो ऐसे है कि हम कमोबेश मिडिल लेवल ब्रैकेट में आते थे जब हम आज़ाद हुए थे। अब हम बेशतर जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हो, वो हमारा लिटरेसी रेट हो, वो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, वो हमारे पासपोर्ट की दर्जाबंदी हो, वो हमारी माओं की जो मेटर्निटी डेथ रेट है वो हो, वो हमारी एजुकेशन का स्टैंडर्ड हो, हम अपने खित्ते में भी सबसे पीछे हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस मुल्क के लोगों का हक के हुक्मरानी तस्लीम नहीं किया गया। मैं किसी एक सियासतदान की हमारे या मुखालफत का कायल नहीं। मैं समझता हूँ कि ये सहाफ़ी का काम नहीं है। सहाफ़ी का काम हकायक बता देना है, फैसला करना लोगों का काम है। पाकिस्तान ने जब कभी कोई कामयाबी हासिल की, वेदर वो ग्वादर की बंदरगाह हासिल करना थी या हमारा 6,000 मुरबा मील का रकबा जो है वो इंडिया के पास चला गया था, उसको वापस लाना था, हमारे 93,000 कैदी गए हुए थे उन्हें वापस लाना था, हमारे बच्चे जो है वो फंस गए थे कारगिल में किसी की हिमजी के नतीजे में, तो उन्हें वापस लाना था, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी नवाब मोहम्मद अहमद खान के उस कत्ल में दी गई है जो कानून की किसी किताब में आप उसको सही करार नहीं दे सकते। अरे भाई, 23 मार्च 1973 को रावलपिंडी लियाकत बाग में गोली चली थी, दर्जन भर के करीब लोग मारे गए थे, वो मुकदमा चलाते ना भुट्टो साहब पे। ढूंढ के हम मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ अकामा लेके आए हैं, पनामा लेके आए हैं, ये चीटियां ढूंढ रहे हैं इधर उधर की, ये मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगा रहे हैं। अरे भाई, 17 जून 2014 को माडल टाउन में 11-12 लोग मारे गए थे, उनका मुकदमा चलाओ ना मियां नवाज शरीफ पे, जो सीधा मर्डर का केस बनता है वो क्यों नहीं चलता? मालूम जी है वजह साहब, कि सॉरी टू कट यू, सॉरी टू कट यू। यहीं से आप थोड़ा सा, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा जरा लाउड बोलें ताकि हमारे जो नाजरीन है उन तक, अच्छा, बहुत तो आप वो क्योंकि जबरदस्त बात कर रहे हैं। मेरी आवाज थोड़ी सी वैसे ही नेचुरली जरा वॉल्यूम मेरा कम है, नहीं, लेकिन मैं सर बहुत कोशिश अच्छी करता हूँ कि आवाज है। हाँ, ना सबसे बड़ा जुर्म जो किसी कौम के खिलाफ हो सकता है वो ये है कि उसके लोगों को उनका रिपब्लिक के शहरी हो और शहरियों का हक के हुक्मरानी तस्लीम ना किया जाए। इसका नतीजा ये है कि इस वक्त दुनिया भर में जो लिटरेसी रेट है, इंटरनेशनल लिटरेसी रेट है,
वो 86.2 है। लिटरेसी की बात हो रही है, ये एजुकेशन की बात नहीं हो रही, ये हाई क्वालिटी मैथ लिटरेसी की बात नहीं हो रही, ये बेसिक स्किल्स लिखने पढ़ने और जमा तफरी करने की बात हो रही है। हमारा लिटरेसी रेट ऑफिशियली 59%। हम जो 1951 में 3,37,00,000 की आबादी थी, हम उसे 22,30,00,000 में ले आए, ये जुराम है। हमने इस मुल्क के बच्चों को समेत मेरी नस्ल के इस काबिल नहीं रहने दिया कि वो अपनी उम्र के जो पीयर ग्रुप होता है उसके साथ दुनिया में कम्पीट कर सके। हमने इस मुल्क के लोगों यानी 71 तो सबको नज़र आता है ना, लेकिन माफ़ कीजिएगा कुछ चार चढ़ाइयाँ तो हमने बलूचिस्तान पे की हैं। हमने जो कुछ सिंध के साथ किया है, हमने जो है वो लफ्ज पख्तून और गद्दार को इक्वेट कर दिया है। हम इस मुल्क में हम शहरी हैं लेकिन हम अपनी ज़मीन पर जला वतन हैं, क्योंकि हम वी हैव बीन डिसएनफ्रेंचाइज्ड, जिसका नतीजा निकला है हमारी हमारी सलाहियत तज़िया करने की। ये मैं आपसे कह दूँ कि हमारी ये इलिटरेसी और ये जो हमारी पॉलिटिकल हमारी पॉपुलिज्म के पीछे जाना, हम आते हैं ये जो नेक्सस है ना, आपने तो बहुत ही पोलाइट अंदाज में कहा कि दुनिया में कहीं कुछ होता है। अरे भाई, हमें इस आबादी और इस मुआशी हालत के साथ के 74 बरस में दो छोड़ के हमारे सारे बजट जो है वो खसारे के, हम ये मुल्क कर्जे पे चला रहे हैं। हमारे मुल्क के जीडीपी का 92% हो गया है हमारा डेट उसके, और हम एजुकेशन हमारा मुमकिन तौर पे हमारे पास ना उस तरह से तेल है ना मादनी वसाइल है। झूठ बोलते हैं बच्चों के साथ स्कूलों में तो बड़े हमारे मुल्क के पास वसाइल है, हमारा मुल्क जो है वो इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज चैलेंज मुल्क है। हमारे मुल्क का वाहद असासा क्या हो सकता था? 56% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 25, मीडियन एज इज 22.6। If a country is really serious, जब मैं तो कमर साहब की बात के बारे में इसलिए कोई राय नहीं देता कि भाई वो तो सरकारी अहकार हैं, मुल्क को नॉर्मल करना और ना करना तो किसी और का काम होना चाहिए। वो तो 3 बरस के लिए एक मियादी एक टेन्योर है ना उनका, वो अहलकार हैं, वो 85 में कमीशन पे आए थे, अब वो रिटायर हो जाएंगे। तो इस मुल्क ये जो सरकारी अहलकार होते उन पर ये जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि वो कौमों की समझ तय करें और वो ये बताएं कि नॉर्मल क्या होता है या नॉर्मल, मैं माजरत चाहता हूँ कि नॉर्मल क्या होता और नॉर्मल क्या नहीं होता। नॉर्मल मुल्क जो है वो अपने हमसाया मुल्कों के साथ जो है वो नहीं करते जो हमने अफगानिस्तान के साथ किया था। वी हैव बीन पंचिंग अबव आवर वेट एंड दैट इज वाई कि हमारी दुनिया में हमारी बात का कोई एतबार नहीं। हम झूठ बोलते रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं अपने लोगों के साथ। हमारे मुल्क के ये जो बच्चे हैं, मैं चूंकि पाकिस्तान में 83 आनवर्ड जो है वो एक सियासी कारकुन उसके तौर पे काम कर रहा हूँ, मैंने रोज बरोज डे आफ्टर डे एंड ईयर आफ्टर ईयर इस मुल्क के लोगों की जहनी सतह को उस सतह पर जाते देखा जहाँ द कंट्री हैज बीन टर्न्ड इनटू अ लुनेटिक असाइलम। मैं जब आप कुछ लिखते हैं ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, पुट इट लाइक फेसबुक का ट्विटर, तो नीचे सिर्फ गालियां, सिर्फ गालियां। पीपल हैव बीन डेजिग्नेटेड कि ये इनको सिर्फ गालियां देंगे, कोई दलील नहीं है। और मैं आइडियर से कि दलील उनको सिखाई ही नहीं गई है, ज्योग्राफी हम नहीं पढ़ाते, तारीख हमारी दुरुस्त नहीं है, लोगों को मजहब का जो किरदार होना चाहिए जो हमारे दस्तूर में भी लिखा है वो ये है कि हर शहरी को अपना अकीदा अपनाने की आज़ादी है। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी के अकीदे को जज करूं, मुझे ये हक भी नहीं है कि मैं किसी से ये पूछूं कि तुम्हारा अकीदा है क्या। ये हमारे मुल्क का दस्तूर आर्टिकल 20, जिसको 19 जून 2014 को हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस होते थे तो सद्दक हुसैन जिलानी साहब, उन्होंने इस पर एक लंबा एक तारीखी फैसला लिया है आर्टिकल 20 की तशरीह में। लेकिन अगर हर सियासतदान इस कदर खौफजदा हो जाए, आपको पता है कि कुछ सियासी जमातें जो रिसेंट हमारा कौमी असम्बली का इजलास हुआ उसके अंदर गई नहीं है, इसलिए कि अगर वो अंदर चले जाते तो वो मुखालफत की हिम्मत नहीं रखते थे। यहाँ पे वजीर दाखला को गोली लगी है,
यहाँ पे सूबे मुल्क के सबसे बड़े सूबे के गवर्नर को शहीद किया गया है. वी हैव लेट लूज लोन रेंजर्स इन ईच स्ट्रीट ऑफ द कंट्री. कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछेगा. मैं एक सहाफी के तौर पर जब अपने साथियों को कहता हूँ ना कि बाबूजी आपने क्या क्या चीजें देख ली हैं पॉलिसी में, मैं कहता हूँ भाई इसके बारे में ना अच्छा कहो ना बुरा कहो, ये ब्लास्फेमी वो बुरा कानून है जिसमें इल्जाम लगाने वाला ही आपकी बेगुनाही का फैसला करेगा. ये कोई अदालत नहीं कर पाएगी इसकी तशरीह कि आपकी नीयत क्या थी. वहां तो लिख दिया गया है इंटेंट और नॉन इंटेंट. वो कौन सा दुनिया का कानून है जो इंटेंट को इंटू कॉन्सिडरेशन ना ले. और आपने देखा सलामत मसीह केस था तो बच्चे को बाहर भेजना पड़ा 94 में. आसिया बीबी केस था बाहर भेजना पड़ा. शोएब आदल पे केस तक तो नहीं बात पहुंची थी लेकिन गरीब को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा. दुनिया ने ठेका ले रखा है कि कानून हम बनाए, अपने शहरी की हिफाजत करने में नाकामी हमारी हो, बरी भी हो जाए तो वो महफूज नहीं है. शेखुपुरा में एक साहब ब्लास्फेमी के इल्जाम से बरी हो गए, जेल से घर जा रहे थे वो मारे गए. ये कमर साहब जो है उन्हें अगर वो वाकई ये चाहते हैं कि ये मुल्क नॉर्मल हो तो उसमें दो मेहरबानियां हम पे फरमाएं. एक तो इस मुल्क की पॉलिसियां बनाने की जो जिम्मेदारी आज खुद अस्यूम कर ली है एक महकमे ने, उसको मेहरबानी की थी इस मुल्क के लोगों को अपना मुल्क चलाने के. लेट दम डिसाइड कि किसके साथ ट्रेड करना है, किसके साथ खर्चा ताल्लुकात रखना है, किसके साथ हमने अपने मुल्क में कितना पैसा तालीम पे लगाना है, कितना सेहत पे लगाना है, एक. और दूसरा मेहरबानी फरमा के हमें अपनी पारसाई का सर्टिफिकेट ना दिया. हमें कोई गर्ज नहीं है पारसाई आपकी, आपके साथ आपकी कब्र में जाएगी. मैं जितना भी गुनाहगार हूँ मैं कब्र में खुद ही भुगत लूंगा. ये जो आप मुल्लाओं को बुला बुला के मिलाद करवाते हैं और फिर उसकी तस्वीरें देते हैं, उससे जो है वो एक्चुअली मुल्ला इज ए वेरिटेबल पार्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू पैरालाइज द पीपल ऑफ दिस कंट्री. इस मुल्क को स्टे एट दिस पॉइंट प्लीज. मैं आप इसमें ऐड करना चाह रही हूँ. आपने जो बात कही, मैंने ये दरअसल वैसे तो ये टॉपिक जो है ये ऐसा है कि उस पर हम किसी हवाले के बगैर भी बात कर सकते हैं. मैंने जो हवाला दिया क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर हम में से कोई ये कह देता या ये कह देता है कि ऐसी ये मुल्क में जो है ये हो रहा है, ये मुल्क ऐसा है या ये कि नॉर्मल नहीं है, तो वो तो गद्दारी का सर्टिफिकेट फौरन मिल जाता है हमें. तो मैंने इसलिए ये बात की कि एक एक ऐसी तरफ से ये बात की गई है तो फिर हम इस पे अब डिबेट कर सकते हैं. अब हम ये बात कर सकते हैं कि भाई अब तो इसका मतलब है कि तस्लीम कर लिया गया कि इसको नॉर्मल बनाना है. तो अगर बनाना है तो हमें क्या करना है. ये जो आपने बात की सर, अच्छा अब हम थोड़ा सा सियासी हुकूमतों की तरफ आ जाते हैं. थोड़ा सा जरा मुझे ये भी बताइएगा कि वहां पर क्या गलतियां हुई और उसके साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आगे मैं आपको रोकूं, आप जिस तरीके से एक फ्लो में सब कुछ बता रहे होते हैं, कि ये जो मुल्लाइज्म है जिस तरीके से जितना नुकसान हमें जो है इस चीज ने पहुंचाया है और जिस तरह आपने कहा कि इससे डरते कितने हैं सारे लोग, इसको कौन ठीक करेगा. वो जो एक बात की जाती है बिल्ली के गले में घंटी बांधने की, वो कौन करेगा. क्योंकि वो तो बात वही हो गई कि वो एक सियासी जमात बन चुके हैं और वो तो इसमें शामिल हो सकते हैं अगर वो कानूनी तौर पर है. ये इन दोनों बातों पर प्लीज जरा आप ओवर टू यू. देखिए इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसने किसी ना किसी स्टेज पे ये ना कहा हो कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे. मैं उन तशद्दुद मुतशद्दुद जमातों की बात कर रहा हूँ जो मजहब के नाम पे बंदूक उठाती हैं. हाफिज सईद ने 2004 में कहा कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ. जो पीर अफसर कादरी साहब हैं इन्होंने जो है वो 2018 में लिख के दिया कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ. मेरी राय में जो हमारा सियासतदान है वो भी इस बात की हौसला अफजाई करता है, वो सियासी वोट लेता है. मैं आपको उसकी दो मिसालें अर्ज किए देता हूँ. एक साहब हैं उनका नाम है साजिद मीर, वो एक फिरका परस जमात के सरबराह हैं. ये फितना जनरल कमर बाजवा साहब के अकीदे के बारे में जब उनका इंतखाब हुआ कि वो आर्मी चीफ होंगे, ये साजिद मीर साहब ने छोड़ा था. वो आज भी मुस्लिम लीग के टिकट पे सेनेट के मेंबर हैं साजिद मीर साहब. ये मुस्लिम लीग की बात होगी, अब मैं पीपल्स पार्टी की बात करता हूँ. वो जो बच्चियों हिंदू बच्चियों को कन्वर्ट करने के लिए मारूफ हैं मियां मिठू साहब, वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे मेंबर सूबाई असम्बली के.
रहे हैं। ये इमरान खान साहब को लोगों ने इस मुल्क को जो लोगों ने भी उनको वोट दिया उनका हक था कि वो किसी भी सियासी रहनुमा को वोट दें। क्या इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपने यासर मदीना नाम की कोई टर्म सुनी थी? नो। लेकिन ये जो मौलाना इमरान खान साहब मौलाना तारक जमील साहब को बुला बुला के बार बार कभी उनसे मांग का फरमाते हैं और कभी मुंह बस मास्क लेके कोरोना के दिनों में उनसे मिलते हैं, तो उससे लोग ये देखिए मैं एक सख्त बात कहने जा रहा हूँ बट इट इज़ अ हिस्टोरिकल फैक्ट, ढांचे होते हैं ना ये उनके पेरेनियल मुस्तकिल पार्टनर हैं। मैं बस इससे आगे नहीं कहना चाहता। और ये अवाम को जो हमने अनपढ़ रखा है, अवाम को जो हमने इस ज़हनी कैफियत में लेके आए हैं कि वो अगर 300 बंदा टचवुड आपके घर के बाहर आके खड़ा हो जाए तो पुलिस वहां आगे नहीं आ पाएगी, आपको कोई अदालत नहीं बचा पाएगी, आप मुल्क का बड़े से बड़ा मनसब जो है वो हमने इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो शहरी को तहफ्फुज दे सके। आप पीपल डिडंट हैव द करेज कि वो सड़क पर जाती बच्ची को रोक के कहें कि बेटी तू दुपट्टा ले या ना ले। लोगों को ये 73-74 में ये जरूरत नहीं होती थी। हमने इस मुल्क में पारसाई को कमोडिटी बनाया है और हमने उसको उस नामनिहाद पारसाई में कहूँगा, मैं इसलिए नामनिहाद कहूँगा कि जो हकीकी पारसाई होती है उसकी नुमाइश नहीं की जाती। You do not carry your piety, you don't wear it on your sleeves. ये तो दिल में होती है और इंसान के अखलाक से जान लेता है कि कौन पारसा है और कौन नहीं है। पारसा शख्स वही है जो माशरे में अमन नेकी और दूसरों की भलाई और दूसरों की तकलीफ में उनका साथ दे। बाकी ये जो आपको पता है कि हमारे यहाँ से हमारा वजीर कानून जो है वो उसको जाके खास जगह पे तस्वीरें खिंचवा के जो है वो बांटना पड़ती हैं। हमारे मुल्क के बड़े बड़े मनसबदारों को मुख्तलिफ लोगों के साथ मजलिसों में बैठ के तस्वीरें खिंचवाना पड़ती हैं साबित करने के लिए कि हम ये नहीं हैं, हम ये हैं। दिस इज नॉट नॉर्मल सी। मैं दोबारा अर्ज करूँगा कि नॉर्मल मुल्क जो है वो अपने शहरियों के हक के अकीदा की हिफाजत करते हैं, हक के अकीदा का तायुन नहीं करते। अकीदों का तायुन करना रियासत का काम नहीं है। एक ही घर के अंदर भी जो लोग होते हैं बहन भाई उनमें भी अकायद पर शेड का फर्क आ जाता है, कुछ जरा रासख होता है कुछ जरा नरम होता है, हर तरह के लोग होते हैं। ये जो यकरंगी है ये बुनियादी तौर पर पोलिटिकल टूल है। इस असल में झगड़ा इस मुल्क के वसाइल पे इजारे का है, असल में झगड़ा इस मुल्क के बजट पे, इस मुल्क की मईशत पे, और इस मुल्क में जो है वो एक तबका पैदा किया गया है जो मुल्क के बाकी लोगों के बल पे वसाइल पे अपना इजारा रखना चाहता है। उसी चक्कर में जो है वो बेनज़ीर भी गद्दार होती हैं और सिक्योरिटी रिस्क होती हैं, उसी उसमें जो है वो नवाज शरीफ साहब भी जो है वो होते हैं। नवाज शरीफ साहब की वो खामियाँ जो आज गिनवाई जा रही हैं क्या वो 90 में नहीं थी जब वो उन्हें गोद ले रखा था? जब उनको लिए बनाया किसने? यही तो आईजीआई को मैं यही तो अर्ज किए दे रहा हूँ मैं, बल्कि मैं मुहताज जरूर हूँ लेकिन अगर एक बात छपी हुई है और उस बंदे ने कही है जो खुद उसका हिस्सा था पूरे प्लान का, उनका नाम है हुसैन हकानी। उन्होंने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है पाकिस्तान बिटवीन मिलिट्री एंड मॉस्क, तो उसमें वो कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो और मुहतरमा नुसरत भुट्टो की काबिल एतराज़ जब तस्वीरें बनाई गई और ये कहा गया कि ये लोगों में बांटी जाएं इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया था। असलम बेग साहब ने लाहौर के एक ताजर से कहा कि ये जो वाल्टन में वो जहाँ हवाई वो सिविल एविएशन सिखाई जाती ना उन लोगों को जिसके पास चार पैसे हों उनसे वहाँ से जहाज किराए पे लो और ये तस्वीरें गिराओ। तो इस मुल्क में ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, अल्टीमेटली हमने इस मुल्क में सहाफ़ी को, सियासतदान को, ब्रोकरेट को हमने एक बुरा लफ्ज़ दे के सिर्फ एक तबके को जो है वो नेक कर दिया। इस तरह मुल्क नॉर्मल नहीं होते। अभी बजाज साहब ये जो आपने बात की, ये जो अभी आपने बात की नवाज शरीफ साहब की, अभी तक ये बात कही जाती है उनकी तरफ से इस पे, ये आपने बताया आज मुझे, आपसे ये पता चला कि ये उन्होंने नहीं करवाया था, ये जिस तरफ से आया था आपने कह दिया, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने खुद क्यों नहीं बात की? पीएमएलएन की तरफ
किसी और रुकन ने आज तक की वाली बात क्यों नहीं की कि हम पे ये आप लोग इल्जाम लगाते हैं कि हमने वो तस्वीर गिराई और हमने तो नहीं किया। और इसके अलावा सर एक और बात, सॉरी टू डिसएग्री, लेकिन प्लीज प्लीज जाहिर प्लीज है कि प्लीज प्लीज मैं गो करना अहेड गो चाहती हूँ अहेड आपसे। जी, गो अहेड गो अहेड गो हमने देखा कि जो जलसे होते रहे उस दौरान, और हम जब पुराने जलसे उठा के देखते हैं नवाज शरीफ साहब की तकरीर और इनके दूसरे अरकान की तकरीर उस वक्त जो होती थी, उसमें जो जुबान इस्तेमाल की जाती थी वो तो हमने सुनी ना उनके मुंह प्रिंटेबल से। नहीं थी, वो प्रिंटेबल नहीं थी। उनको मियां नवाज शरीफ साहब उनके रफाका जो जुबान बोलते थे, उनके जो मीडिया मैनेजर थे, वो आके बताया करते थे कि सर ये बातें कोई अखबार छाए नहीं करेगा, जी जैसा ही जी मियां बिल्कुल गुजरा क्यों ना हो। ठीक है, बिल्कुल। तो वो तो वो तो उसके अजीब बिल्कुल सही, आप अब से दुरुस्त फरमा रही हैं, कोई उस पे आप गलत नहीं कह रही। और ये हमारे सियासतदानों की कमजोरी है कि अगर उन्हें सस्ता वोट मिल रहा हो, इजी वोट मिल रहा हो, तो उसमें जहांगीर तरीन भी खानकाहों पे पहुंच जाते हैं और मोहतरम नवाज शरीफ और उनके जो रुफका है वो भी एबटाबाद पहुंच जाते हैं किसी दुमका पीर के पास, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी पहुंच जाती है। ये मेरी राय में ये इसलिए गलत, ये नहीं कि उनको अपने अकीदे का यह हक नहीं है, बुनियादी तौर पर वो इबादत के लिए नहीं जाते, वो लोगों को ये मैसेज देने जाते हैं। उसके नतीजे में लोग जो है वो इन बातों को संजीदगी से ले लेते हैं। पाकिस्तान के बहुत से लोग को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान का 1,20,000 शहरी फ्रांस का कानूनी तौर पे शहरी है, अलावा गैर कानूनी शहरियों के। पाकिस्तान का कोई 18 अरब डॉलर का, 18 बिलियन डॉलर का कर्जा है पाकिस्तान पे फ्रांस का, और फ्रांस अकेला नहीं है, फ्रांस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, और यूरोपियन यूनियन जो है वो हमारे कहने पे नहीं इन बातों पे आएगी। और होलोकास्ट में और ब्लैस्फेमी में बाकायदा फर्क है। और हमारे मुल्क में मैं एक बतौर एक सहाफ़ी के दोस्तों को समझा समझा के तंग आ गया हूँ कि ब्लैस्फेमी का उर्दू तर्जमा तौहीन रिसालत मत करो। ये एक बहुत जज्बाती मामला है। जो ब्लैस्फेमी का लुगत में लफ्ज़ लिखा हुआ है वो है तौहीन मजहब, वो है किसी की दिलाजारी, वो लफ्ज बोलो, लेकिन ये उर्दू अखबारात जानबूझ के ऐसी टर्म इस्तेमाल जानबूझ करते के हैं जी जिससे जो है वो 10वीं जमात पास लड़का जो है वो तो शोला ज्वाला बन जाता है, वो तो भट्टी बन जाता है, वो तो मरने मारने पे आ जाएगा, और लिटरली वो मार भी देगा और मरेगा भी, हुआ है एक से ज्यादा दफा। तो इसलिए ये बहुत अहम बातें हैं। अभी अभी निसाबे तालीम पे जो बात हुई है, हमने अपनी छोटी सी बात कही और बस खत्म। अंसार अब्बासी साहब को काम ही कोई नहीं है सिवाय इस काम, वो अब तक 3 कॉलम उस पर लिख चुके हैं, मुझे कौन मानेगा। लोग तो अंसार कहेंगे अंसार अब्बासी साहब ठीक कह रहे हैं, हालांकि आईनी तौर पर मैं वही बात कह रहा हूँ जो जो शोएब सैडल साहब, परहैप्स आप कोई और शायद आगे हो, एक जमाने में वो हमारे क्रिमिनोलॉजी में बास डॉक्टर थे, यानी डॉक्टर की हुई थी उन्होंने क्रिमिनोलॉजी में, वो आला तीन उद्दों पर रहने हैं पुलिस में, उन्होंने उन्होंने उस कमेटी में थे, उन्होंने ये सारी बातें की हैं और लोगों ने की हैं, लेकिन वो एक भाई हम कराची से निकाल रहे हैं और वो उसकी मुखालफत कर रहा है। मैं हैरान हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं और आप या हम में से कोई भी पाकिस्तान का शहरी जो क्रिश्चियन है या जो लेट्स पुट इट लाइक अहमदी है, जब वो अपने बच्चे को स्कूल भेजता तो उस बच्चे की सिक्योरिटी के हवाले से उसके क्या तासरात है। जी दुरुस्त फरमा रहे हैं वजाह साहब। इससे पहले मैंने दो प्रोग्राम्स किए, एक में मैंने ये बात की थी कि अभी ये खबर आई है कुछ दिन पहले और काफी अरसे से ये सिलसिला चल रहा था, और यूएई ने भी ये किया है कि सऊदी अरेबिया ने अपने टेक्स्ट बुक्स में, अपने सिलेबस में महाभारत और रामायण जो है उसको शामिल कर लिया, और हिस्ट्री पढ़ाने के लिए कि ये एक एपिक है, और इसको जो है इसी तरीके से उन्होंने कहा कि दूसरे तमाम मजाहिब जो है वो सब पढ़ाए जाएंगे। यूएई पहले ही कर चुका है। अच्छा, सऊदी अरेबिया के मुतालिक तो ये नहीं सोचा जा सकता था कि अच्छा वहां पर उसे तो हम समझते हैं ना कि सिंबल है उम्मा का। वो पाकिस्तान की जब हम टेक्स्ट बुक्स की बात करते हैं, इस पे भी मैंने प्रोग्राम किया कि हमारी टेक्स्ट बुक को कब हम चेंज करेंगे, अपने करिकुलम अपने सिलेबस को हम कब चेंज करेंगे। इसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज ना होने के बराबर हैं, इसके बावजूद अक्सर ये शोशा उठ जाता है, ये इशू खड़ा हो जाता है कि ओहो अगर गलती से भी किसी किताब में कोई तस्वीर डिलीट हो गई या एड हो गई तो कहा जाता है ये तो जान के किया गया है क्योंकि इस्लाम को नुकसान पहुंचाना है। तो हमारे टेक्स्ट और करिकुलम को कौन सही करेगा? एक तो ये बाकायदा कारोबार है, मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता था कि आपका प्रोग्राम जो है वो मुतनाज़े नहीं हो,
वो बाकायदा इस काम पे उन्होंने लोग लगाए हुए हैं कि मुख्य किताबें रिसाले बैठ के स्कैन करते रहें कि कोई जुमला ऐसा हो जिसके दो मानी निकलते हों और हम उसका मनफी वाला मानी लेके उस बंदे के पास पहुंच जाएंगे, जनाब या तो इतना बता दो या हम जो है वो तुम्हारे खिलाफ केस करवाएंगे। बाकायदा ये कारोबार है। एक दूसरा मेरी तजवीज़ होगी कि अगर आप कहीं इस प्रोग्राम में इस मौजू पे निसाब वाले मौजू पे डॉक्टर एच नैयर साहब से बात कर सकें। डॉक्टर एच नैयर जो हमारे फिजिक्स के उस्ताद हैं वो बहुत अच्छी बात इस पे करेंगे। और ये जो अभी अभी आपने बात फरमाई ना कि भाई सऊदी अरब वालों ने ये कहा है, तो 2013 या 14 में हमारा ग्रामर स्कूल की जो ब्रांचेज हैं, ग्रामर स्कूल हमारे मुल्क में अच्छे स्कूलों में गिना जाता है जी, वहाँ से अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ अच्छे साथ हैं और पैशन रखने वाले टीचर्स होते हैं। तो वहाँ पे सातवीं जमात में ये कहा गया कि कुछ दूसरे मजहब के जो फंडामेंटल्स हैं, इसी तरह की बातें जैसी किसी भी मजहब में मित्र होती है, हिस्ट्री होती है, वो कुछ उनको बच्चों को फैमिलियर किया जाएगा। नसरीन शाह साहब हमारी बहुत पुरानी बहुत वेनरेबल एजुकेशनिस्ट हैं, तो उन्होंने ये किया, नाम है मुबशर लुकमान, उन्होंने उस पर एक टेलीविजन प्रोग्राम कर दिया और 15-20 बच्चों के वालदैन स्कूल के बाहर पहुंच गए और स्कूल को वो जो कोर्स था सातवीं जमात के बच्चों के लिए उसको बंद करना पड़ा। सऊदी के हमारे तालीमी इदारों में और हमारे सहाफ़ियों में लफ्ज़ बहुत बुरा है, उसकी कोई पॉजिटिव कॉनोटेशन नहीं है, तथहीर उसको अंग्रेजी में कहते थे पर्ज। वी अगर पर्ज ना भी करें, किसी के रिज़्क़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी के रोजगार को, लेकिन एटलीस्ट इस आस्था को ये बता देना चाहिए कि हजूर आप बच्चों को पढ़ाने आते हैं, सवाब आप घर जाके कमा लिया करें। बिल्कुल ठीक। हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों में ऐसे साजा की बहुत बड़ी तादाद है जो बच्चों को लिटरली नफरत का दर्स देते हैं। और हमारे अखबारात में नाम लेता चला जाता लेकिन मैं रुक गया कहीं, क्या नाम लेना किसी अखबार का, लेकिन वैसे अखबारात मौजूद हैं जो खबर में लफ्ज मलऊम इस्तेमाल करते हैं किसी और के बारे में, तो क्या मेरे बारे में भी किया है वो। तो मैं हैरान परेशान होता रहा, तो मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक आपने कह दिया तो आपके कहने से चलें लीव इट, लेट्स नॉट गो पर्सनल। लेकिन बात यह है कि क्या अखबार की सुर्खी में उस मुल्क में जिसमें मैट्रिक पास आबादी 27% है, जिसमें यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की तादाद 6% है और जैसे वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है वो भी हमें इल्म है, उस मुल्क में आप ये मलूम का लफ्ज इतनी बार इस्तेमाल करते हैं, इतनी बार फिर आप करारदादे लेके आते हैं, फिर आप असम्बलियों को बेबस करते हैं और फिर वहां पे खड़े होकर जो कुछ आप बोला जाता है, इतनी बातें एक्सपंज आपने की हैं, उनकी बातें जो नफरत आमेज होती हैं वो आप एक्सपंज नहीं करते। हर बंदा जो है वो तकरीर करने लिए खड़ा होता है, पहले 1.5 मिनट तो वो अपनी पारसाई बयान करता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि कौमी सभी का वक्त बड़ा कीमती होता है, ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे अर्ज करूँ कि इसमें हमारी सियासत को भी दखल है, इसमें हमारे हमारा जो दर्स निज़ाम है, मैं मदरसों की बात नहीं कर रहा मेरे बाबू, मैं यूनिवर्सिटियों की और कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। ऐसे वहाँ पे इसातला कराम मौजूद हैं, उनको ना भी निकाला जाए उनके रोजगार से, लेकिन कम से कम ये बात हिस्सा तो बना दी जाए। वैसे माफ कीजिएगा, अभी ये जो नेशनल सिंगल नेशनल करिकुलम वाली बातें हो रही हैं, सर हो तो वो नहीं पाएंगी, होंगी तो वो तब जब एचिसन कॉलेज में भी वही पढ़ाए ना, इमरान खान साहब भी अपने बच्चे पाकिस्तान में वापस ले आए ना, उसी करिकुलम के तहत पढ़ाएं, सरदारी साहब अपने बच्चे बिलावल को ना पढ़ाते ना ऑक्सफर्ड में, ये कोई तरीका नहीं है। यानी हमने कहा था कि आप निचली तरीन जो दर्जा है तालीम का उसको बुलंद फरमाइए, आप ऊपर वाले को चीट के नीचे लाना चाह रहे, आप चाहते ये हैं कि इस मुल्क में सिर्फ एक मुट्ठी भर अकलियत हो जिसके पास ऐसे वसाइल हों जो अपने बच्चों को ऐसी तालीम दिला सके कि वो दुनिया में कहीं भी जाएं तो वो कम्पेटिटिव हों और हमारा बच्चा वहाँ बैठा ड्रैक इन ड्रैक पढ़ रहा होगा, जितनी देर में वो तर्जमा करता है अपनी बात का अंग्रेजी में उतनी देर में बात शेखोपुरा पहुँच जाती है। ये बाकायदा जुर्म है कि इस मुल्क में जहाँ सरकारी स्कूलों से पढ़ने वाले आला तीन उहदों पे पहुंचे हैं वहाँ हमने तालीम का मियार गिरा दिया है, इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि तालीम
जो कि असल में जिंदगी में आगे बढ़ने का जरिया है, जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने का सस्टेनेबल मेथड है, वो आम आदमी की पहुंच में ना हो, एक खास तबके के पास हो। ये नॉर्मल होना तो ना हुआ ना, फिर ये नॉर्मल होना तो ना हुआ। वजाल साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, और सवाल मेरा ये होगा, हमने ये जितनी बातें कर ली, इसमें बहुत सारी बातें जो हम कहते हैं कि नॉर्मल बनाने के लिए पाकिस्तान को अभी तक जो वो एक क्या कहना चाहिए कि अगर एबनॉर्मल है तो उसकी वजूहात भी हमने डिस्कस कर ली। सबसे बड़ी जो हो सकता है कि मैं गलत कह रही हूँ, मुझे यही नजर आता है कि एक तो ये कि हमें अपने करिकुलम को दुरुस्त करना पड़ेगा, हमें उसमें जो है वो तमाम एक ऐसा बनाना पड़ेगा, एक लफ्ज जो है वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाह रही, जाहिर है वो जब सेकुलर बोलते हैं तो लोग उसको किसी और माने में लेते हैं, हालांकि उसका मतलब ये है कि आप दूसरे को बर्दाश्त करने का अपने अंदर वो पैदा आप करें दूसरों कि आप को सब बराबर बर्दाश्त है। करना, ठीक है और जी, देखिए रियासत तो का कोई लेना देना नहीं, रियासत के सब खैर ही। जी बिल्कुल, जिस तरह सेकुलर का कायदे मतलब आजम, जब यही है ना देखें जब कि जब हम रियासत ये का कहते ख्याल हैं, ही। हाँ जी जी बिल्कुल, जब मिस्टर जिना की जी तकरीर का जी हमेशा हर जी कोई जिक्र करता है कि जी यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स और मॉस्क। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या बताइए, क्या कैसे नॉर्मल बनाया जाए, करिकुलम को ठीक किया जाए, हुकूमतों को, सियासत को, डिक्टेटर्स ना आए, दहशतगर्दी ना हो, क्या आपके पास क्या फार्मूला है कि भाई किस तरीके से ये ठीक किया जा सकता है, नॉर्मल बनाया जा सकता है पाकिस्तान को? अलावा जो पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं असेंबलियों के अंदर और उसके बाहर, हमें एक संजीदा डिस्कोर्स अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम होल्ड करना चाहिए। इसमें कुछ बातों पे हमारा इत्तेफाक होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे तीन टारगेट होने चाहिए। लिटरेसी, मैं बार बार कहता हूँ, एजुकेशन 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 इस वक्त किसी सियासी जमात की तरजीह में नहीं, इसलिए कि जो एक अंडर पास है वो 2.5 वर्ष में बन जाता है। एजुकेशन का फैसला आज करेंगे ना, इस मुल्क के लोगों को तालीम देने का फैसला आज करेंगे, तो वो 30 से 35 वर्ष बाद कहीं जाके इस काबिल हो पाएंगे कि हम खुद को तालीम याफ्ता कौम कह सकें। आप आलिया इतनी अच्छी तालीम याफ्ता खातून हैं, तो यकीनी तौर पे आप विक्टोरियन नावल से भी आगाह होंगी, विक्टोरियन नावल की ट्रेडिशन से भी आगाह होंगी। जी 19th सेंचुरी बनता है ना, वो इतने पढ़े लिखे लोग थे ना उस वक्त ब्रिटेन में कि विक्टोरियन नावल उसमें से जेन आस्टन और जॉर्ज जीलियट और चार्ल्स डिकन्स निकलते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है वो मैंने आपको अभी कुछ फिगर्स बता दी हैं। उस वक्त जो है 1820 में दुनिया का लिटरेसी रेट 12% था इंटरनेशनल, और 86% पे आ गया। 42% 1960 में था। ठीक है, हम रोते पीटते को कहीं उसके दूर करीब इसी तरह उसी ब्रैकेट में थे, बट वो 86.2 पे आ गया है और हम जो है ना वो 59% पे खराब हो रहे। एक बात, दूसरी बात, हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हमारी कौम को अगर कोई चीज आगे लेके जा सकती है तो वो मईशत, ये नारेबाजियां नहीं। हमें कोई अपनी जमीन पे कब्जा नहीं करने देगा, जंगों से कौमें तरक्की नहीं किया करती, ये अहमकाना बातें हैं। अगर इतना ही शौक है इस काम के करने का तो सचमुची का आज के टेक्नोलॉजी का असला बनाओ और बेचो, दूसरों को बेच दो, उस पर हमें कोई इतराज नहीं। बट मईशत मईशत मईशत, 17% जिस मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग टोटल उसके उसमें आती हो एक साल की जो पैदावार में, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट सिर्फ 17% है, तो माफ कीजिएगा हम बेचेंगे क्या? ये चादरों के बिस्तरों की चादरें और तकिए लालपुर के बने हुए, इससे क्या बनेगा? दुनिया हमें एक कंप्यूटर बेचती है और हम जो है ना उनको कंटेनर बेचते हैं उसको मुकाबले में तौलियों का, वो भी लालपुर के बने हुए। मईशत, तालीम और मेहरबानी करके इस मुल्क के लोगों को उनका जो भी अकीदा है उस पर जीने का तहफ्फुज़ दे दीजिए। इस तरह से हम में से कोई भी महफूज नहीं है। आई वुड से कि हमारे स्कूल में तालीम का दर्जा ये होना चाहिए, मजहबी तालीम का, कि बेटे बेटी आपका जो भी अकीदा है बिस्मिल्लाह, बट एज ए सिटीजन योर राइट इज टू स्टैंड आउटसाइड एनीबॉडीज प्लेस ऑफ वर्शिप एंड प्रोटेक्ट देयर राइट टू वर्शिप। इससे कोई गरज नहीं आपको होनी चाहिए कि ये इबादत का अहले तशय्यो की है या अहले तसल्लम की है। एज ए सिटीजन योर जॉब इज टू प्रोटेक्ट देयर राइट टू वर्शिप। द डे वी अराइव एट दिस पॉइंट आई वुड से वी विल बी नाउ मईशत तालीम और रवादारी और ज़ाहिर है अवाम का हक़ के हुक्मरानी, वो तो पैरामाउंट है, वो तो पैरामाउंट है, वो तो फंडामेंटल है।
और सर ये जो जो आगे लगती हैं, जो मौलवी आग लगाते हैं, उसके उस मसले को कौन टैकल नहीं, वो करेगा? तो हम लगवाते हैं। मैंने क्या दिया था, नेशनल क्राइम कमिटेड 1953 से लेके आज तक इस मुल्क में, देखिए मैं, चलिए मैं आपके सामने की ऑब्जर्वेशन अर्ज किए देता हूँ। 89 से 99 तक के 10 बरस में सिर्फ कराची शहर में हजारों अहले तशय्यो और अहले सुन्नत मारे गए। कहीं शिया कम्युनिटी ने या सुन्नी कम्युनिटी ने ग्रुप की शक्ल में जाकर दूसरों पे हमला नहीं किया। हमारे मुल्क में लोग रॉयट नहीं करते मजहबी, यहाँ टारगेट के लिए क्राइम्स होते हैं, इनका पर्पस होता है। भले वो 2017 में तशरीफ लाए, 2016 में तशरीफ लाए फैजाबाद में, भले वो 2018 नवंबर में आए या अब आए। मौलवी मौलवी को तो हजूर एक थानेदार कंट्रोल कर सकता है। हमें बार बार जो है ना वो पूरा मुल्क मफरूज किया जाता है, ये इसके पीछे ताकतवर हलकों की सियासी साजिशें होती हैं। वी हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ ब्लंडर, आई वुड से क्राइम अगेंस्ट द पीपल ऑफ दिस कंट्री। ये ओके, मुल्ला की क्या मजाल है कि वो आगे ऐसे सब करे। बहुत शुक्रिया थैंक आपका, यू आपका वेरी मच बहुत वजात मसूर शुक्रिया। साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे दोबारा भी जो है वो एक और टॉपिक पे कभी थोड़े दिन के बाद दोबारा हम सेटिंग जी करेंगे। जरूर, थैंक्स अ मैं लॉट, हाजिर थैंक हूँगा, मैं थैंक हाजिर थैंक हूँगा। थैंक बहुत यू। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।